बॉबी झा एमएनएस न्यूज आई में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। ये वो पांच बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें देखकर अब पहचानना हुआ मुश्किल। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत की बुलंदियां हासिल कर ली, वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शोहरत पाने में पूरी अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते समय नहीं लगता। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। समय के साथ ये लोग स्टार से सुपरस्टार तो बन गए हैं, लेकिन अब लाइमलाइट से दूर जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ तक कि इनके लुक में इतना बदलाव आ गया है कि अब पहचानना भी मुश्किल है, जिसमें फरदीन खान से लेकर उदय चोपड़ा तक शामिल है। ये वो पाँच स्टार्स है जिन्हें पहचानना अब हुआ मुश्किल। उदय चोपड़ा, फरदीन खान, हरमन बावेजा, मीनाक्षी शेषाद्री, मुमताज। फिल्म फेयर के कवर पर रणवीर कपूर संग दिखी आलिया भट्ट। इन दिग्गज 15 स्टार को मिली जगह देखें। फिल्म फेयर अवार्ड के बाद इसके पत्रिका कवर पेज सामने आ गया है। अब हाल ही में 64वें विमल इलाजी फिल्म फेयर अवार्ड में बॉलीवुड स्टार्स को जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया था। अब अवार्ड फंक्शन के बाद फिल्म फेयर का मई कवर फैंस के सामने पेज पेश कर दिया गया है, जिसमें इस साल के सभी विनर्स को जगह दी गई है। इस बार पहली बार एक साथ कवर पेज पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 15 बॉलीवुड स्टार्स को जगह मिली है। पहली बार आलिया कवर में भी रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री शेयर करती दिख रही है। इन स्टार्स में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, संजय लीला भंसाली, हेमा मालिनी, ईशान खट्टर, विकी कौशल, सारा अली खान, गुलजार, करण जौहर, नीना गुप्ता, गजराज राव, मेघना गुलजार और श्रीराम राघवन को जगह मिली है। एक बार फिर साथ दिखेंगे रणवीर दीपिका। रणवीर दीपिका बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक है। इन दोनों ने अब तक कई फिल्मों के साथ काम किए हैं, जिसमे ये जवानी है दीवानी, तमाशा दोनों फिर से और एक बार साथ दिखेंगे। हालांकि कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। कुछ समय तक दोनों के बीच काफी कड़वाहट थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और कई इवेंट में साथ भी नजर आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार रणवीर और दीपिका जल्द एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। खबर है कि दोनों को अनुराग बसु ने एक फिल्म ऑफर की है। बसु ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट भेज दी है और अब उनकी हाँ का इंतजार है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।